हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना किचन रेसिपी में। और मैं शेयर करूंगी आपके साथ ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बढ़िया लगने वाली कस्टर्ड सेवई की रेसिपी, जिसको आप झट से बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिए हमने कढ़ाई और उसमें डाला है हमने देसी घी। घी जो है वो 20 से 30 ग्राम के आसपास डाला है, फिर भी अपने अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लें। अब इसको बढ़िया से गर्म करेंगे। ये आ जाते हैं बारीक कटके हुए बादाम और बारीक कटके हुए पिस्ते। घी के गर्म हो जाने के बाद हमने इसको डाल देना है। और ये देखिए, साथ के साथ हम इसमें ऐड करेंगे सेवई। सेवई जो है वो हमारी 60 ग्राम है और इनको हमने घी में डाल करके अच्छे से रोस्ट करना है। और इन्हें रोस्ट करने के लिए हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, क्योंकि जो सेवई है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अच्छे से रोस्ट हो पाएंगी। तो इनके लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही काफी होंगे। उसी में जो सेवाइयों का कलर है ना, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इनको लगातार चलाते भी रहें, क्योंकि जो सेवाई है बहुत ज्यादा जल्दी जलने भी लग जाती हैं। तो इनको इसी तरह से लगातार चलाते भी रहना है। और 2 से 3 मिनट में ही आप देख सकते हैं जो सेवाइयों का कलर है ना, वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो कलर है एकदम लाइट ब्राउन है, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब ये एकदम परफेक्ट कलर में आ चुकी है। तो अब हम इसी टाइम पे इसमें ऐड करने वाले हैं दूध। तो ये हमने लिया है 1 लीटर दूध, जो कि एकदम फुल फैट है, और ये बॉयल किया हुआ दूध है। और इसको हमने रूम टेम्परेचर पर हल्का सा ठंडा कर लिया था। अब हमने इसको सेवाइयों में ऐड करने के बाद इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन आप चाहें तो फैट वाले दूध की जगह आप बिना फैट वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपकी जो सेवाई है एकदम परफेक्ट बनेंगी। ये देखिए, अब जैसे ही इसमें हल्का सा उबाल आना शुरू होगा, तो हम इस टाइम पे ऐड करेंगे इसमें चीनी। तो हमने चीनी की जो क्वांटिटी है वो 40 ग्राम ली है, लेकिन अगर आप चाहें तो सेवई और चीनी की क्वांटिटी सेम भी रख सकते हैं। तो अब हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कुक करेंगे। और इस टाइम पर हमने इसको लगातार चलाते भी रहना है, जिससे कि जो सेवई है वो नीचे ना लगे और साइडों में से दूध को भी साफ करते रहें। अब गैस की फ्लेम को हम इस टाइम पर मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही अब हमने सेवईयों को कुक करना है। और अगर आपने भी एकदम परफेक्ट कस्टर्ड सेवाई बनानी है ना, तो बस वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। उसी में जो आपकी कस्टर्ड सेवाई ना एकदम बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार होंगी, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो अभी इनको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए, तो एक बार बीच में चेक करके देख लेंगे कि सेवाई अच्छे से कुक हो पाई है या नहीं। तो इस तरह से आप देख लें, अभी जो सेवाई है वो थोड़ी सी कच्ची है, पूरी तरह से कुक नहीं हो पाई। फिर से अभी हमने इनको 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक कर लेना है। तो अब हमने इतना कुक कर लेंगे जिससे कि हमें बाद में सेवाइयों को कुक ना करना पड़े, क्योंकि हम इसमें बाद में ऐड करेंगे कस्टर्ड। और कस्टर्ड डालने के बाद जो इसमें थिकनेस आ जाएगी, और ये जो हमारी कस्टर्ड सेवाई है ना, ये बेस्ट ऑप्शन है गर्मियों के लिए, जो कि बहुत ही कम टाइम में बनकर के तैयार होती है और खाने में बेहद टेस्टी लगेंगी, जिसको बनाना बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए, फिर से देखेंगे चेक करके। तो ये देखिए, सेवाई पूरी तरह से कुक है और जो दूध है वो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से थोड़ा सा कम हो चुका है। इसी टाइम पे हमने इसमें ऐड करना है कस्टर्ड। तो ये हमने लिया है कस्टर्ड, जो कि 2 छोटे चम्मच है, और ये 2 छोटे चम्मच ही कस्टर्ड काफी होगा सेवाइयों के लिए। अब हमने इसको अच्छे से घोलना है, तो हम इसको घोलेंगे पानी में। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे थोड़े से दूध में भी घोल सकते हैं, बस दूध जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म दूध से कस्टर्ड में लम्स पड़ जाते हैं। और इसे घोलने के लिए हमने पानी भी एकदम नॉर्मल ही लेना है, गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा नहीं लेना। तो ये देखिए, काफी अच्छे से जो कस्टर्ड है वो घुल चुका है, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। अब हमने इसको ऐड करना है सेवाइयों में। तो ये हमारा बढ़िया से घुला हुआ कस्टर्ड जाएगा सेवाइयों में, और इसको हमने दूसरे हाथ से जल्दी से साथ के साथ चला लेना है, जिससे कि जो लम्स ना पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी इसमें लम्स भी पड़ जाते हैं, इसलिए दूसरे हाथ से जल्दी से इसको अच्छे से चला लें। अब जैसे ही हमने इसमें कस्टर्ड ऐड किया, तो इसमें थिकनेस आनी शुरू हो गई है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए फिर से कुक करेंगे, जिससे कि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो निकल जाए। तो अब हमने इसको लगातार चलाते रहना है और एकदम परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर में ये आने शुरू हो गई है। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखना चाहते हैं, तो आप जो कस्टर्ड की क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा कम कर दें। और यहाँ पर ये देखें कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तो हम इनको निकालेंगे सर्विंग बॉल में। और ये हमारी कस्टर्ड सेवाई बनकर के हो चुकी है रेडी, वो भी कुछ ही मिनटों में, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए, अब हमने करना क्या है कि बस अब इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पर हमने तो ये ले लिए हैं बादाम, जो कि बिल्कुल बारीक कटके हुए बादाम है, और इनको हमने ऊपर से डाला है। अब जैसे ही हमने इसमें बादाम डाले हैं, तो साथ के साथ हम इसमें बारीक कटके हुए पिस्ते भी डालेंगे। बहुत ही अच्छा लुक आ चुका है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। तो आप इसको अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, जो कि आपको पसंद हो, और इसमें ऊपर से टूटी फ्रूटी लगा लें, तो उससे भी बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो फाइनली हमारी कस्टर्ड सेवई बनके रेडी है।
अगर आपको ये इजी सी कस्टर्ड सेवई की रेसिपी पसंद आई है तो आप भी घर पर जरूर ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी नई नई वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी।